हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज मैं न्यू ब्लॉग के लिए निकल चुका हूँ। और गाइज, अभी यहाँ पे टुनटुन रिवर और वो रोड है जो किंजर गया को जोड़ती है, तो किंजर गया को जोड़ने वाली मेन रोड है। और आज का ब्लॉग होने वाला है जीपी अरवल का। तो जीपी अरवल का न्यू कैंपस बन रहा है धमोल में। तो गाइज, मैं फर्स्ट ब्लॉग जीपी अरवल का आपको दिखा दिया था, तो उस समय कॉलेज पूरा मतलब बना नहीं था। इस समय मतलब काफ़ी प्रोग्रेस पे कॉलेज हो गया है। तो अभी वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या क्या बनने वाला है। ऐसे तो मतलब कॉलेज को बनने का टाइम था अप्रैल में पूरा होने का, तो वहाँ जाकर देखेंगे कितना काम बाकी है और कब तक कॉलेज वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। और ये पुनपुन रिवर, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ब्लॉग को। तो मेरे साथ बने रहिए, तो आगे देखते हुए इसी रास्ते से जाने वाले हैं। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस हमको कवर करने पड़े। तो इसी रास्ते से हम कॉलेज को पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधे घंटे के अंदर हम कॉलेज के पास पहुंच जाएंगे। तो इधर का एरिया बहुत ही नेचुरल एरिया है, पेड़ पौधा आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और गाइज, बात करें तो इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब पूरा हरा भरा पेड़ पौधा। और वीडियो बनाते समय बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझसे मिले, तो वो लोग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो गाइज, उन लोग से मैंने बातचीत भी किया। और इधर भी रूरल एरिया ही आप समझो। तो अभी हम लोग कुछ डिस्टेंस यहाँ से कवर कर लिए हैं, और यही जो ये रोड है से काफी मतलब पहले ही बना दिया गया है। तो कॉलेज बन जाने के बाद फिर इस रोड को रिपेयर कर दिया जाएगा, ताकि ट्रैफिक में ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। और ब्लॉग काफ़ी दिन से मैं डाल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही काम रहता है, एडिटिंग वगैरह ये सब, और मेरा लैपटॉप भी इस समय वर्क नहीं कर रहा था। तो गाइज, मैंने चल गया था कुछ जगह पे लैपटॉप बनवाने, और बाइक भी अवेलेबल नहीं था। तो गाइज, अब सब चीज़ आ गया, सारा सामान आ गया, अब टाइम पे सब ब्लॉग आते रहेगा, आपके अवेलेबल होते रहेगा। तो गाइज, इस विलेज के पार करने के बाद आपको कॉलेज धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा। तो कॉलेज के अब काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाले हैं, और वहां जाकर देखेंगे कि आप पहुंचेंगे। और ये रहा कॉलेज का मेन गेट, फर्स्ट मेन गेट है। तो कॉलेज बन गया है, मानो पूरा बन ही गया है, पेंटिंग वगैरह हो चुका है, सिर्फ इसका फिनिशिंग करना है अंदर से, और कुछ कुछ जगह पे बाकी है। मैक्सिमम फिनिशिंग हो चुका है। तो एक कॉलेज को बनने का समय था अप्रैल में, अप्रैल तक इसको फाइनल डेट था, लेकिन टाइम फेल कर गया। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों को ही दिक्कत होगा, स्टूडेंट लोग को वहाँ से यहाँ आने में। और गाइज, आप देखिए, आपको ठीक से आपको पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. किया बट गार्ड साहब यहाँ पे जाने नहीं दिए, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कोशिश ज़्यादा नहीं करूँगा। तो कॉलेज पूरा पेंटिंग होने पे हो गया, बट अभी यहाँ पे टाइम पूरा है, 2023 पूरा लग जाएगा। तो गाइस, देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़े हूँ, और बहुत प्रयास किया अंदर जाने का, फिर भी बोले कि अंदर जाना मना है अभी। तो गाइस, जब कॉलेज बनेगा तो पूरा ब्लॉग साथ में ही हम लोग बनाएंगे। थैंक्स गाइस।
अब मैं यहाँ से रिटर्न लेने वाला हूँ। तो यहाँ इसके बाद मैं अब लौटूंगा अपने गांव को, और जहाँ कॉलेज चल रहा है बिहार शरीफ वहाँ अब जाएंगे। और जब नया नया कॉलेज बनता है तो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी तरह हम लोगों को भी कॉलेज देखने में लग रहा है। काफ़ी सुकून का नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लौटते वक्त मैंने इसका सिनेमेटिक व्यू ले लिया है, और अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और घर की तरफ अब निकलेंगे। और गाइज एक दोस्त को भी साथ में ही ले लिए, वो मिल गया इधर ही घूमने आया था, तो उससे भी बातचीत वगैरह किया, तो बाइक लेकर आया तो साथ में उसे भी ले लिए। और गाइज इसके बाद इसी रास्ते से मैं लौटने वाला हूँ जिस रास्ते से आया था। मतलब इधर घूमकर जो सुकून मिलता है ना, ये सुकून कहीं और जगह पे ज़रूर नहीं है कि वैसा ही मिलेगा, लेकिन इधर का नज़ारा बहुत ही मस्त लगा। तो गाइज ये रोड जो है से किंजर कुर्था मार्ग का है और मेन रोड है, इसी रोड से आगे कॉलेज जाता है जिस रोड से हम लोग लौटे हैं। और इसके आगे मैं निकल जाऊंगा अपने घर को, इसी रोड से आगे मेरे घर की तरफ एक रोड जाता है। तो गाइज बने रहिए और आपको अच्छा अच्छा यहाँ पे नज़ारा दिखाने वाला हूँ। और ये रहा मेरा गांव के लिए लोकल रोड, आपको दिखाई दे रहा होगा कि रोड का स्थिति क्या है। फिर भी यहाँ पे बहुत प्लांट हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो अच्छा लगता है, मस्त लगता है यहाँ पे नज़ारा। तो आप लोग जैसा खोज रहे हो वैसा ही सीन इधर मिल रहा है। क्या है, काफ़ी यहाँ पे पेड़ वगैरह खेत हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं रोड के साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटिंग जो दिया गया है बहुत ही अभी काफ़ी नया लग रहा है। तो गाइस इससे आगे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा यहाँ पे घर है। तो गाइस आपको घर दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ से साफ दिखाई देगा नहीं। और इधर हम लोग घूमने के लिए आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो गाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो मस्जिद दिखाई दे रहा, तो वहीं पे मेरा गांव है और वहीं मेरा घर है। तो गाइज इस तरफ खेती वगैरह किया जाता है, पूरा यहाँ पे फील्ड है फसल उगाने के लिए। अगर गाइज आप इधर से आप लौटना चाहते हैं तो आप सतपुराबाद कुर्था मार्ग से लौट सकते हैं। आपको जहानाबाद का डिस्टेंस वहां से 10 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। अगर आप वहां से किंजर कुर्था मार्ग से आप लौटना चाहते हैं तो वहां से आपको जहानाबाद के लिए 25 से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा। तो गाइज ये रहा आज का फैंटास्टिक ब्लॉग। तो थैंक्स गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और खुशी खुशी रहिए और पूरा मस्ती में रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए। तो थैंक्स गाइज।